हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका फॉर्म बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है और हम उसमें गलती कर देते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखने हैं। तो देखिए, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। नंबर 3, आपको उसमें अपनी इमेजेस अपलोड करनी होती है। नंबर 4, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। एंड नंबर 5, आपको उसका प्रिंट आउट लेना होता है और इसे अपने पास। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास फॉर्म फिल करते समय क्या क्या होना चाहिए। तो नंबर 1, आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर एक OTP भेजा जाता है जो कि आपको फिल करना होता है। एंड ये मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि आपके पास एग्ज़ाम टाइम तक होना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी इन्फॉर्मेशन इसी मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू भेजी जाती है। इसलिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास एक वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप अभी बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये फॉर्म में फिल करनी होती है। नंबर 3, आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, क्योंकि आधार नंबर आपको फॉर्म में फिल करना होता है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, केवल आधार नंबर है, तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको केवल आधार नंबर ही फॉर्म में फिल करना होता है। देन इसके बाद है, आपके पास क्लास 10th एंड क्लास 12th की डिटेल्स होनी चाहिए। आपके पास उसकी मार्कशीट एंड उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपको अपना नाम एंड मार्क्स उसी से फिल करने होते हैं। एंड यदि आपने अभी 12th क्लास पास नहीं किया है, तो आपके पास केवल 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें से आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी होती है। अब जान लेते हैं कि आपको फॉर्म फिल करते समय उसमें क्या क्या अपलोड करना होता है। इसके लिए आपके पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। नंबर 2, आपको सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। नंबर 3, आपके पास आपकी 10th क्लास की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, क्योंकि इसे भी आपको अपलोड करना होता है। नंबर 4, आपके पास लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान होना चाहिए, जो कि ब्लू कलर से होना चाहिए, यानी कि ब्लू इंक से होना चाहिए। एंड नंबर 5, आपके पास पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो भी होना चाहिए। तो इनके साइज़ कैसे बनाते हैं और इनके साइज़ क्या क्या रहते हैं, उसके लिए भी हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। तो देखिए, फॉर्म में कुछ इस तरह से आपको फिल करना होता है। ये फॉर्म का इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है जिसका साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होता है जिसका साइज़ 4 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए। देन 10th क्लास का सर्टिफिकेट जिसका साइज़ 100 KB से 300 KB के बीच का होना चाहिए। देन लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जिसका साइज़ 10 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए। एंड एक पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटोग्राफ, इसका साइज़ 50 KB से 300 KB के बीच का होना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड आधार कार्ड, इनकी डिटेल्स आपको फॉर्म में फिल करनी होती है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने होते हैं या फिर अपलोड करने होता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यदि इनमें से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उसे अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करने के लिए बहुत कम समय का टाइम दिया जाता है। और यदि फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है, तो उसमें आप हर गलती को सुधार नहीं सकते, केवल आपको कुछ ही ऑप्शन दिए जाते हैं। इसलिए आपको अपना फॉर्म बहुत ही सावधानी से भरना है। और यदि आपको कोई डाउट रहता है या कोई कन्फ्यूजन रहती है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।